नमस्कार। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मिक्स फ्रूट जैम, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। मैं सरोज पटेला और दादी की किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्स फ्रूट जैम बनाना। ये फ्रूट्स हैं जो मैंने कट करके रख लिए हैं। ये बनाना है, ऑरेंज है, चीकू है, पपाया है, ये सेब है और ये अंगूर हैं, और डेढ़ नींबू है जो मैंने का रस निकाल के रख लिया है, और ये चीनी है, ये थोड़ा सा नमक है, ये आपकी इच्छा हो तो डाल लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। ये ज़रा सिर्फ एक पिंच, ये कलर दिख रहा है आपको, रेड कलर लिया मैंने। और आपके पास अगर स्ट्रॉबेरी और काले अंगूर हो ना तो ये कलर की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे फ्रूट्स को मिक्सी में पीसते हैं। पहले ये पीस लिया, सारा फ्रूट पीस लिया। जैसे मैं पीसने लगी ना तो मैंने कढ़ाई सिम पे रख दी थी गैस पे, कि कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो टाइम बच जाएगा अपना। कोई घी नहीं डालना, कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना इसमें। बस फ्रूट तो वैसे भी खाते हैं आपा, तो उनको ना छानने की ज़रूरत, सारा पीस गया। ये चीनी, मैंने एक किलो फ्रूट लिया था सारा, उसमें छिलके निकाल के 750 ग्राम बच गया, जिसमें 350 ग्राम चीनी डाल दी। ये आपका मेज़रमेंट है। इसका गैस फुल कर दिया, गैस फुल करने के बाद में इसको चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा नहीं होता। एक बार चीनी अपना पानी छोड़ेगी और फिर उसके बाद ये गाढ़ा होएगा, और फिर सिम पे करेंगे इसको, फिर सिम पे पकाएंगे। ये देखिए ठीक होना शुरू हो गया। इसको ना मैंने छाना, ना मैंने उबाला, कुछ भी नहीं। फ्रूट्स हैं वो तो वैसे ही कच्चे खाते हैं, और वैसे भी बाहर का क्यों खाना जब घर में इतना अच्छा और इतना कम रेट में बनता है। चीज़ बहुत अच्छी, फ्रूट्स अपनी पसंद के डाल लो आप, जो आपको पसंद हो। इसमें चीनी और ये पकने का सिस्टम पूरा रहेगा ना तो 6 महीने तक बिना फ्रिज के भी बाहर ये ख़राब नहीं होता। अगर इसमें आपने चीनी कम खाने, मीठा कम खाना, चीनी कम डालोगे तो फिर ये फ्रिज में रखना पड़ेगा आपको, और 15 दिन निकलेंगे। ये थोड़ा सा मैंने नमक लिया था, ये सिर्फ मीठा कंट्रोल करने के लिए ही होता है, कि मीठे को थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपा। ये थोड़ा सा कलर लिया था, कलर डाल दिया। ये नींबू का रस है, ये डाल दिया। बस सिर्फ इसका कलर देने के लिए। वैसे स्ट्रॉबेरी और काले अंगूर मेरे पास नहीं थे इस टाइम, अगर वो होते तो फिर मैं कलर नहीं डालती थी उसमें। ये देखिए ऑलमोस्ट अपना जैम रेडी हो रहा है। बस अब इसको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आके ना अब सिम पे करूँगी। ये सिम पे कर दिया मैंने, फुल पे ही बना है, और सिर्फ मेरे को 15 मिनट लगे हैं बनाने में। ये बन गया, कोई चिपका नहीं है। ये देखिए इसको अब दिखाने के लिए आपको ऐसे प्लेट में डालो, थोड़ा ठंडा होने दो इसे। थोड़ा ठंडा होने के बाद में इसे चेक करेंगे। इसको अब ये ऐसे करते हैं ना, इसमें पानी, जूस कुछ नहीं निकल रहा, सिर्फ जैम ही है जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो समझो अपना जैम रेडी है। अब गैस बंद कर दिया, अब इसको ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद में फिर इसको पैक, इसमें आप चाहो तो ये जैम वाली शीशी है, इसमें पैक करके रखो। थोड़ा ठंडा होने दो, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें पैक करके आराम से रखो। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर देखते हैं इसको। ये देखो कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। अब ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा ना, और ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा और ये थिक हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा इसमें स्प्रेड हुआ है। ये लो इसकी कटिंग का, बहुत बहुत टेस्टी जैम बनता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाए ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये देखिए कितना अच्छा सैंडविच बना जैम का आपका। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।